भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ग्रेडर से ग्रेडर के बीच फंसने से एक की दर्दनाक मौत। निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चरखारी विकास खंड के पुनिया गांव के पास जिस समय हाइड्रा मशीनों द्वारा पुल पर ग्रेडर चढ़ाया जा रहा था, तभी बीच में हाइड्रा मशीन स्लिप होने से राम शगुन विश्वकर्मा जिला उमरिया पलझा उम्र 30 वर्ष पुत्र उदय भान विश्वकर्मा के दब जाने से उसकी मौत हो गई। परिजन गुलाब विश्वकर्मा ने बताया जिस समय एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा था करीब 12 बजे तभी ग्रेडर चढ़ाए जा रहे थे, तभी हाइड्रा मशीन स्लिप हो गई जिससे राम शगुन दो ग्रेडरों के बीच में दब गया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि उसे वहां से उठाकर चरखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। News9 भारत के लिए शिखा रावत की खास रिपोर्ट। सर आपका नाम क्या है? गुलाब विश्वकर्मा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो पपून निपनिया के रहने वाले हैं, जिला साइड हो जी। जो जी मृत हैं आप, इनके कौन हैं? ये हमारे मामा के लड़के लगते हैं। अच्छा, कैसे इनकी मृत्यु हो गई है, क्या कारण रहा है? ये पुल में गडर चढ़ा रहे थे हेड्रा से जी, तो वो हेड्रा स्लिप होने के कारण हाँ वो गडर से गडर के बीच में फंस गया था। अच्छा, उस वजह से मौत हुई। नहीं तो ये उसमें दब गए थे? हाँ दब गए थे। कहाँ की घटना है ये? ये पुनिया के पास है। मतलब क्या? 6 लाइन का। अच्छा, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है वहाँ का।